उम्मीदवारों से रूबरू कराने के क्रम में हम पहुंचे हैं नवादा। नवादा में हमारे साथ मौजूद हैं नवादा लोकसभा के प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार निवेदिता सिंह। निवेदिता जी, आपका कशिश में स्वागत है। जी धन्यवाद। कई मुद्दे इस नवादा लोकसभा क्षेत्र में गूंज रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नवादा की बहू हैं निवेदिता सिंह, इस लिहाज से जिस गांव में पहुंच रही हैं लोगों का प्यार और सम्मान दोनों इनको मिल रहा है। जो नवादा की चुनावी लड़ाई है, निवेदिता के आ जाने के बाद पूरी तस्वीर यहां बदलने लगी है। निवेदिता जी, आप यहां गांव में जा रही हैं, आपका मुद्दा क्या है पहले हमें जानना चाहेंगे। सबसे पहले मेरा यहाँ का मुद्दा स्वास्थ्य है, महिला सुरक्षा है, किसानों का पे जो अत्याचार हो रहा है, सिर्फ उनको वादा किया जाता है और कोई भी वादा बिहार में पूरा नहीं हो पा रहा है। और यहाँ हॉस्पिटल की स्थिति भी काफी जर्जर है। यहाँ की सड़कें आपको बिल्कुल नालंदा से जैसे ही आप नवादा की ओर बढ़ेंगे तो आपको सौतेलापन का व्यवहार खुद ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ महिलाएं सुरक्षित कैसे हो सकती हैं? एक तरफ जो है यहाँ लोग, मैं कांग्रेस से उम्मीदवारी अपनी सुनिश्चित कराने में लगी हुई थी, पर हमारे पार्टी को किसी कारणवश टिकट नहीं मिला और यहाँ एक बलात्कारी की पत्नी को टिकट दे दिया गया, तो कैसे महिलाएं इस समावेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? जब घर का नेता ही जेल में बंद हो जिस पे बलात्कार का आरोप लगा हो, आखिर उसी के परिवार की उसकी पत्नी ही तो खड़ी है यहाँ से, तो फिर जनता उसके साथ उससे कैसे कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार होगी? और दूसरे तरफ जो है बाहुबली के भाई खड़े हैं। यहाँ की जनता को बाहुबली नहीं चाहिए, यहाँ की जनता को मान और सम्मान देने वाला नेता चाहिए जो उनके दुख और दर्द को समझ सके। यहाँ की महिलाएं और यहाँ की बालिकाएं, यहाँ के किसान, यहाँ के युवा पीढ़ी जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नवादा में जो है बिल्कुल विकास के नाम पे जो नग्न नजर आ रहा है, उनके साथ कैसे चलने के लिए भला तैयार होंगे? एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आजादी से लेकर अब तक नवादा में कई बड़े बड़े नेता भी आए और कुछ तो मंत्री भी रहे, नवादा की तस्वीर नहीं बदली। जो विकास, जो डेवलपमेंट इस शहर का होना चाहिए वो भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप घूम रही हैं, लोगों से बातचीत भी आपकी हो रही है, आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल इसमें 100% सत्यता है, क्योंकि यहाँ जो नेता बन तो जाते हैं पर वो इतना ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं कि आखिर वो वसूलेंगे तो कहाँ से वसूलेंगे, हम जनता से तो ही वसूलेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, इस बार चुनाव में पैसा से नहीं मन से लगता है कि उम्मीदवार चुना जा रहा है। कहीं भी पैसा का डिमांड रखते ही लोग भड़क उठ रहे हैं कि नहीं मुझे पैसा नहीं इज्जत चाहिए। नवादा की जनता ने इस बार यह निश्चित कर लिया है कि पैसे वाले को उखाड़ फेंकना है, जो हमारा मान और सम्मान दे, जो हमारे सुख दुख में साथ दे, जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने में साथ देगा, उसी को इस बार यहाँ का ताज पहनाया जाएगा। निवेदिता जी, इस आपके लोकसभा क्षेत्र में जहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं, कई लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, उद्योग के नाम पे कुछ भी यहाँ नहीं है। एक चीनी मिल जो था वो भी 25 वर्षों से बंद है, राजद की भी गवर्नमेंट कुछ दिन पहले थी और भाजपा और जदयू की भी गवर्नमेंट है, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं करी कि इस चीनी मिल को भी चालू करा दिया जाए। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मेरा कहना है कि जब तक हम पहल ही नहीं करेंगे किसी कार्य को करने में, तो आखिर वो व्यवस्था, विधि व्यवस्था सुधरेगी कैसे? अगर यहाँ की जनता ने चाहा तो ये कार्य भी अवश्य होगा और इसमें अच्छे लोग भी जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ कारोबार, छोटे छोटे कारोबार भी आएंगे और चीनी मिल तो पक्का यहाँ पे सुचारू रूप से चलने लगेगा। अभी जो बंद है, जो गन्ना किसान है यहाँ के, उनकी क्या स्थिति? आप तो गांव में जा रही हैं, उनसे मिल भी रही हैं, तो चीनी मिल बंद होने के बाद जो गन्ना आधारित उनका मतलब उद्योग था या धंधा पानी था, वो क्या बंद हो गया या कहीं और जाके अपना कारोबार करते हैं?
नहीं, लगभग बंद के कगार पे तो है, लेकिन उन लोग को बाहर भी जाना पड़ रहा है। मैं उनसे जाके पूछ रही हूँ, जिसमें उनको काफी कष्ट उठाना पड़ रहा है। जब अपने घर में ही व्यवस्था थी तो फिर उनको बाहर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? दो बार से जो नेता यहाँ जीते थे, जो एमपी साहब थे, उनके पास काफी आवाज भी उठाई गई थी और उन्होंने बड़ा नम्र शब्द में कहा था कि 6 से 7 महीना लगेगा और ये सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। पर शायद वो यहाँ बोल तो दिए, लेकिन यहाँ से जाने के बाद अपने कान में तेल डालकर सो गए। वैसे स्थिति में बेचारे यहाँ के किसान बहुत ही परेशानी में हैं और वो जो है कहाँ जाएं, ये निर्णय लेने में असमर्थ हैं। निवेदिता जी, हमें लगता है कि आपको भी जानकारी इस बात की होगी कि जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, दोनों मिलके किसानों के लिए बेहतर काम करने का दावा कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जो जिला में, जो भी जिला का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, नलकूप की व्यवस्था कर दी गई है, सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन जो हमारे लोगों से बातचीत हो रही है वो लोग बिल्कुल नाराज हैं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आप इन क्षेत्रों में जा रही हैं जहाँ किसान हैं, कृषक हैं, वो सिंचाई के बारे में क्या आपको बता रहे हैं? सबसे पहले तो मैं भी एक किसान हूँ और मैं यहाँ खेती भी काफी अच्छे से कराती हूँ, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि जब मेरे जैसे इंसान को भी यहाँ के बारिश पर निर्भर करना पड़ता है। यहाँ सिंचाई की व्यवस्था जो है बिल्कुल जर्जर है। चुनावी माहौल है, इसलिए जो भी लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही 1% भी उसमें सत्यता नहीं है। अभी भी जो गरीब हैं बेचारे पैक्स में अपने धान बेचने के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं। जो बाहुबली हैं वो तो किसी तरह से प्रेशर बना के अपना बेच लेते हैं, लेकिन बेचारे जो छोटे किसान हैं वो अभी भी रो रहे हैं। पैक्स में धान देने के बाद भी 6 महीना 7 महीना पैसे आने में लग जाता है और उनकी बेटियों की शादी, उनके घर में बीमार, बहुत ही कष्ट होता है यहाँ के किसान को। नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को 6,000 रुपया दे रही है, सालाना उनके अकाउंट में जा रहा है। राहुल गांधी ने घोषणा की कि हम सीधे पैसा भेजेंगे, सालाना 72,000 रुपया तक देंगे। आपको क्या लगता है इन दावों में, जो दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं, इन दावों के बीच चूंकि आपकी मतदाताओं से भी बातचीत हो रही है, उनका क्या कहना है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? चूंकि चुनावी माहौल है, दोनों अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं, इसमें बिल्कुल ही कहीं सत्यता नजर नहीं आ रही है। सारे लोग जो हैं समझदार हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका यही कहना है कि मैडम 5 साल पहले दोनों कहाँ थे? जब चुनाव आया तो दोनों एक से बढ़कर एक वादा तो कर रहे हैं, पर ये वादा कब पूरा होगा? चुनाव जीतने के बाद भी पूरा होगा या सिर्फ अभी हम लोग जुमलेबाज और लॉलीपॉप की तरह बोला जा रहा है? नीतीश सरकार का कहना है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, खासकर लड़कियों को उन्होंने पोशाक दिया, साइकिल दिया, स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन हमारी जब बातचीत होती है तो आज भी सरकारी स्कूलों में मध्यम घराने के लोग भी अपने बच्चे को पढ़ाने से भाग रहे हैं, वजह क्या है और आप क्या करना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि जब 10,000 रुपया लेके और किसी को भी जो कि बीएड नहीं किए हुए हैं टीचर बहाल कर दिया जाता है, अभी 3,75,000 रुपया लेके हमारे ही गांव से 4-5 महिलाओं को शिक्षिका बना दिया गया, जिनको कि अपना नाम भी लिखने नहीं आता है। बड़ा आश्चर्य होता है कि पैसे पे लोग शिक्षक कैसे बहाल करते हैं, जिसको खुद ही नहीं अपना नाम लिखना आता हो वो बच्चों को कखारा और ABCD पढ़ाने में कैसे समर्थ होंगे? मैं 2-3-4-5 स्कूल में गई और जब मैंने एरोप्लेन का स्पेलिंग पूछा तो यहाँ के शिक्षक का जवाब था ARO PLNE। आई वॉज शॉक्ड कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ शिक्षक ही अनपढ़ हो वहाँ उज्जवल भविष्य की कामना हम बच्चों के बारे में कैसे कर सकते हैं? इन बच्चों को, ऐसे गरीब के जो बच्चे हैं या ऐसे जो स्कूल हैं, अगर आप जीत जाती हैं तो आप क्या करेंगे? ये तो जनता का प्यार उमड़ेगा तभी यह निश्चय हो पाएगा कि मैं जीतूंगी या हारूंगी। लेकिन मेरा एक मकसद है कि यहाँ जो लोग हैं, मैं हारने के बाद भी ये सोच रही हूँ कि जितने स्कूल की व्यवस्था जर्जर है उसको मैं कैसे सुधारूं, उसके लिए मैं एक मीटिंग करूंगी और वहां पे मैं शिक्षकों का कुछ इंटरव्यू कराऊंगी और उसके बाद मैं निर्णय लूंगी कि इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। नीतीश गवर्नमेंट जो है पूरे बिहार में, जो दावा है उनका, सारे अस्पतालों को उन्होंने आधुनिकतम सुविधा दे दिया है, सुसज्जित कर दिया है, जो जिला का सदर हॉस्पिटल है या PSC है, सारे जगह डॉक्टर हैं, बेहतर व्यवस्था है। आप क्षेत्र में घूम रही हैं, यहाँ क्या स्थिति है?
यहाँ हॉस्पिटल की स्थिति बद से बदतर है। मैं एक बार एक पेशेंट को लेके गई, इनके पास स्टिच करने के लिए जो गाय को धागा से स्टिच किया जाता है, जो जानवरों को धागा से स्टिच किया जाता है, उसी से यहाँ इंसान का भी स्टिचिंग होता है। दूसरी बात है कि स्टिच करते समय इनके पास बेहोश करने का डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है। तीसरी बात, लोग को दबा के यहाँ स्टिच लगा दिया जाता है। इंसान इंसान है, वो कोई जालिम थोड़े ही होते हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ की स्थिति। यहाँ 16 एम्बुलेंस है जिसमें एक एम्बुलेंस कार्यरत है, 15 एम्बुलेंस यहाँ बिल्कुल बंद पड़ी है। यहाँ एक्सीडेंट होता है उसके बाद लोग को प्राइवेट गाड़ी से लेके हॉस्पिटल पहुँचना पड़ता है, और यहाँ की विधि व्यवस्था चूंकि सही नहीं है, गरीब जो है बेचारे वो सब पटना या गया नहीं पहुँच सकते हैं। ऐसी स्थिति में नवादा के सदर हॉस्पिटल में वो आते तो जरूर हैं, पर ना तो यहाँ डॉक्टरों की सही व्यवस्था है और ना इलाज का सही व्यवस्था है। यहाँ डायलोना जैसा दवा जो होता है, जो कि तुरंत दर्द में दिया जाता है, उसकी भी व्यवस्था नहीं है। आपको एक बात बता दें कि आज भी नवादा से पटना जाने के लिए सीधी रेल सेवा नहीं है। सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि नीतीश जी कहते हैं कि पूरे बिहार में आप 5 घंटे में कहीं पटना पहुंच सकते हैं, लेकिन आप पटना से अगर चल दीजिए नवादा आने के लिए तो कई घंटे लगते हैं। सड़कों की स्थिति बिल्कुल ही बेहतर नहीं है, जबकि यहाँ जो गिरिराज सिंह थे, केंद्रीय मंत्री थे, कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं कराई। आप क्षेत्र में जाती हैं या घूम रही हैं तो जो सड़कों की स्थिति है, जो रेल यातायात की स्थिति है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? यहाँ सड़कों की स्थिति यही है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी प्रसूति की अवस्था में सड़क से निकले तो हो सकता है कि इतना झकझोर उनको दिया जाता है कि वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही या तो डिलीवरी उनका हो जाएगा या उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। ठेला से भी बेचारे को निकलना पड़ता है। जो गरीब है वो लोग सारे गाड़ी से थोड़ी निकल पाएंगे, तो जब हमारी महिलाएं ही यहाँ पर रोड पे निकलती हैं इतने पीड़ा में, आप समझ सकते हैं कि एक महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने पेट में रखती है, तो ये इच्छा से निकलती है कि उसका बच्चा सही सलामत उसके पास आ जाए। पर इस जिला में निकलने के बाद काफी पीड़ा होता है और काफी बच्चों का देहांत भी हो जाता है, क्योंकि वो सही से पहुँच नहीं पाते हैं हॉस्पिटल में। यहाँ की सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ पटना तक पहुँचने में 6 से 7 घंटा लग जाता है। अगर पेशेंट सीरियस हो तो रास्ते में भी उनकी मौत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया, हर घर को शौचालय मिला है, घर घर शौचालय का दावा किया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? कहीं भी कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। हमारे ग्राम में ही हमारे ही खेत पे 7 शौचालय बना दिया गया था, पर 6 महीना के ही अंदर उनकी ईंट भी गायब हो गई, उनके सीट भी गायब हो गए, क्योंकि एक जगह कोई वहाँ पे सामूहिक संगोष्ठी के लिए थोड़े ही बनाना था, उसको दूरी दे दे के बनाना था। सिर्फ खाना पूर्ति की गई है और इसमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं है। महिलाओं के विकास के बारे में नीतीश कुमार बहुत ही दावा करते हैं, बताते हैं कि सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई है महिलाओं को, नौकरी में भी या उद्योग के मामले में भी वो महिलाओं को मदद करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई? आप सबसे पहले मुजफ्फरपुर का बलात्कार कांड उठा के देख लीजिए, जिसमें कि उनके ही नेता संलिप्त थे, और जहां महिलाओं को इतना बड़ा झटका लगा हो, कैसे मैं नीतीश सरकार पे ये भरोसा कर सकती हूँ कि महिलाएं सुरक्षित हैं और उनको बढ़ाने का उन्होंने कार्य किया है। इतना वक्त लग गया जब उनको सजा सुना अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो बड़ा ही अफसोस होता है कि महिलाएं, वो सिर्फ आवाज दिए हैं लेकिन महिलाओं को कहीं भी सुरक्षा महसूस नहीं कराया गया है। 33% जो हमें मिलना था उसका भी वो विरोध कर रहे थे, तो महिलाएं ऐसे परिस्थिति में नीतीश जी का साथ कैसे देंगी? शायद यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी की वजह से यहाँ जो उम्मीदवार उतरे हैं उनके साथ महिलाएं नहीं चलने को तैयार हैं। समय हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद निवेदिता से तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से नवादा के लोग ठगे गए हैं, ठगीगिरी के शिकार हुए हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव में क्या हो रहा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नवादा लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी निवेदिता सिंह जी से। निवेदिता जी, सेंट्रल स्कूल की एक मांग बहुत बरसों से यहाँ रही है और जब भी चुनाव आता है सारे लोग वादा करते हैं कि सेंट्रल स्कूल यहाँ मिल जाएगा। आज तक सेंट्रल स्कूल नवादा को नहीं मिला, क्या आपको इसकी जानकारी है? बिल्कुल इसकी जानकारी है और मैं इस बात को उठाई भी थी कि हर चुनाव में लॉलीपॉप की तरह जनता को यहाँ सेंट्रल स्कूल दे दिया जाता है। आखिर कब आएगा यह सेंट्रल स्कूल? मैं यह वादा करती हूँ कि अगर आप मुझे मदद करेंगे तो मैं इस सेंट्रल स्कूल को लाने में सक्षम जरूर होंगी और यहाँ की जनता की आवाज को मैं ऊपर तक उठाऊंगी। और मैं सिर्फ वादा ही नहीं करती हूँ, जो मैं वादा करती हूँ उसको मैं पूरा करने का भी कोशिश अवश्य करती हूँ। मैं अपने क्षेत्र से, जहाँ से मैं जिला परिषद रही थी, वहाँ पे मैं चलिए आप मेरे साथ देख भी सकते हैं, वहाँ मैंने 3 सड़कें दी हैं, 1 पैन दिया है और वो आप संजय कटनी जी हैं जो कार्य वहाँ पे किए थे, वो गांव जो है वो मुझे गोद में उठाने के लिए तैयार रहता है। जैसे ही मैं फोन करती हूँ वहाँ जो पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं वो ये वही कहते हैं कि वही मैडम माइल खून है हो जो धाना के खेतिया ले हमने के व्यवस्था के खून है। कहे कि वो बेचारी जो बूढ़ी है बुजुर्ग है वो मेरा नाम तो नहीं बोल पाती है लेकिन उन्हें खुशी की एक लहर झलकती है क्योंकि मैंने कार्य किया है और उसी कार्य की बदौलत आज मैं नवादा में ऊंचे गर्दन को चलने में समर्थ रहती हूँ। जो लोग कार्य नहीं भी किए हैं वो लोग यहाँ आते हैं, जैसे गिरिराज सिंह ने यहाँ बहुत सारा वादा किया उसमें एक भी सत्यता नजर नहीं आई। उन्होंने खनवा गांव को क्यों गोद लिया? अगर उनको गोद ही लेना था तो वो पिछड़े गांव को क्यों नहीं गोद लिए? और उनकी सरकार जो है वो तो जुमलेबाज की सरकार है ही, लेकिन उससे भी बड़े जुमलेबाज निकले गिरिराज सिंह। आज उनको यहाँ से बेगूसराय किस परिस्थिति में शिफ्ट करना पड़ा? क्योंकि उन्होंने यहाँ कार्य नहीं किया था और इसीलिए वो उनको डर लग गया और उनकी पार्टी वो सिर्फ आवाज देते रहे कि नहीं मुझे नवादा लड़ना है, उसमें भी उनका एक साजिश था। उनको नवादा नहीं, उनको पिछले बार भी बेगूसराय लड़ना था, इस बार भी उनको बेगूसराय ही लड़ना था, पर जब वो देखे कि मेरा कार्य यहाँ भी नजर नहीं आ रहा है और बेगूसराय में हमसे कर्मठ नेता उतर गया तो वो डर गए और फिर से डर के मारे वो नवादा में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सोच रहे थे। पर अगर यहाँ आते तो हो सकता है बेगूसराय से भी उनकी स्थिति दयनीय हो जाती। यहाँ की जनता के बीच में जब मैं जा रही हूँ सब यही कह रहे हैं कि भोला बाबू भी एलखिन हल, वो कहलखिन हल मैडम कि सेंट्रल स्कूलवा दे देबो, लेकिन वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी लेके चल गेलखिन बेगूसराय। मैं कांग्रेस में रहते हुए भी उनसे पूछने गई थी कि भोला चा ये तो मिला था नवादा की जनता को, अब किस परिस्थिति में इंजीनियरिंग कॉलेज को लेके बेगूसराय चले गए? उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में मुझे जवाब दिया था कि निवेदिता ये जो है मेरा कर्म भूमि है और बेगूसराय मेरा जन्मभूमि है। मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि सर आपने अपने जन्मभूमि को ही कर्मभूमि क्यों नहीं बनाया? अगर नवादा आपका कर्मभूमि था तो यही के बदौलत आप चुनाव लड़े थे, यही की जनता ने आपको वोट किया था, तो आपने सेंट्रल स्कूल को यहाँ क्यों नहीं लाया? यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज को भी लेके आप क्यों बेगूसराय चले गए? इसमें कहीं ना कहीं तो हम जनता की भी गलती होती है। बाहर से लोग आते हैं या तो पैसा के चकाचौंध में उनको खरीद लिया जाता है या तो पार्टी के हिसाब से उनको टिकट दे दिया जाता है, उनमें क्षमता हो या ना हो ये जनता भूल जाती है। पर इस बार ये बिल्कुल ही नहीं होने जा रहा है, इस बार जनता जाग चुकी है। ना तो वो किसी पार्टी को वोट करेगी, ना तो वो बलात्कारी की पत्नी को वोट करेगी, ना तो वो क्रिमिनल की भाई को वोट करेगी। मैं यहाँ ब्राह्मण समाज, मैं यहाँ स्वर्ण समाज, मैं यहाँ पासवानों के बीच, मैं यहाँ यादव भाई लोग के बीच सबके गांव में जा रही हूँ और सब जगह मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि निवेदिता जी तू यहाँ के बहू हो, आगे बढ़ो, तू 10 चलो तो हमनी जनता 12 चले ले तैयार हुए। यहाँ के सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी अब कदम से कदम मेरे साथ गांव में निकल के चल पड़ी हैं और जब महिलाओं का जत्था साथ देगा तो 50% आबादी जो है वो एक तरफ अगर हो गई तो नवादा की दिशा और दशा आपको 2 से 3 दिन में क्लियर नजर आने लगेगा। नवादा की जनता ने ठाना है यहाँ की बहू को ही जिताना है पर बलात्कारी की पत्नी को नहीं जिताना है। और यहाँ की जनता ने यह भी ठाना है कि एक तरफ बलात्कारी की पत्नी, एक तरफ क्रिमिनल का भाई, बीच में तीसरा विकल्प निवेदिता बहन आई और इस बहन के साथ चलने के लिए नवादा की महिलाएं, नवादा के नवयुवक,
नवादा के किसान, नवादा के पुरुष और सभी हम उम्र भाई लोग चल पड़े हैं, क्योंकि उनको भी नवादा में विकास चाहिए और मैंने ठाना है कि नवादा में विकास होगा, लेकिन आपका निर्णय सही होना चाहिए, तभी आप दिशा और दशा को मजबूत कर सकते हैं। विकास की बात कर रही है, मैं बात करें नवादा की, बुद्ध एवं महावीर की धरती भी इसे माना जाता है, पर्यटक स्थल कई यहाँ है, लेकिन पर्यटक स्थलों का सरकार ने यहाँ एकदम विकास नहीं किया, पर्यटक यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। जो स्थिति है इस पूरे जिले की, आप क्षेत्र घूम रही हैं, आपको क्या दिख रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल 100% सच्चाई है, क्योंकि यहाँ जो मंदिर है, मैं बहुत मंदिर में भी जा रही हूँ, मत्था टेक रही हूँ, यहाँ की जनता यही कह रही है कि जो पिछले बार जीते थे, मंत्री भी रहे, उन्होंने इस मंदिर में यह वादा किया था कि यहाँ या तो नलकूप की व्यवस्था करेंगे, या तो बाउंड्री वॉल दे देंगे, या तो यहाँ पे आपको लाइट दे देंगे, पर कहीं भी ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। बेचारे वो लोग इंतजार में ही बैठे हैं कि कब कोई अच्छा उम्मीदवार जीतेगा और मंदिर की स्थिति जो है वो बेहतर कर पाएगा। मैं भी भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ और उसी विश्वास के द्वारा मैं आज जनता के बीच में आई हूँ। यहाँ ब्राह्मण समाज भी मुझे इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनकी जो आबादी है वो बहुत कम है, उनको भी धमकी दिया जा रहा है। कल मैं गई थी, उन्होंने यही कहा था कि इतने सारे मंदिर हैं मैडम, लेकिन किसी की विधि व्यवस्था, दो बार से वो लोग जीत रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो कहते हैं हिंदू हिंदुत्व हिंदुत्व की नारा देते हैं, पर हिंदुत्व आखिर है कहाँ, उनकी जमीर कहाँ है, वो तो सो रहे हैं। किसी मंदिर में कोई भी कार्य नजर नहीं आ रहा है नवादा में। मतदाता आपके बारे में कहते हैं कि निवेदिता डायमंड है, हमारी निवेदिता डायमंड है, तो आपको जो हीरा कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? वो तो यहाँ की जनता ही जवाब देगी। वक्त बहुत कम है, मुझे क्षेत्र में भी निकलना है, आप इसके बारे में क्षेत्रीय लोग से जानें तो ज्यादा अच्छा होगा, अपने मुख से अपना बड़ाई करना शायद सही नहीं है। अंत में एक सवाल, मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मतदाताओं से अपील करना चाहती हूं कि वक्त है बदलाव का, इस बार नहीं तो कभी नहीं, नवादा जो है बाहरी से बचाओ, घर के इज्जत को घर में रहने दो और सब लोग एकजुट होकर ऐसा निर्णय लीजिए कि यहाँ ऐसे उम्मीदवार को जिताइए जो कि जिला के एक एक गांव से रूबरू हो, जो कि जिला के महिलाओं के सुख दुख को जान रही हो, जो कि यहाँ के स्कूल की स्थिति को जान रही हो, जो कि यहाँ की सड़कें कैसी है उसके बारे में, यहाँ के किसान भाइयों के बारे में जान रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ जनता से अपील कर रही हूँ कि इस बार एक मत होकर ऐसे उम्मीदवार को जिताइए जो कि आपके दुख और सुख में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चल पड़े, और जिसको बोलने की क्षमता हो, जो आपकी आवाज को ऊपर तक उठा सके, उस वैसे कैंडिडेट को आप चुनिए। और मुझे पूरी विश्वास है कि जनता ने भी ठान लिया है और उन्होंने भी मन बना लिया है। चुनाव में विकास मुद्दा है, स्थानीय और बाहरी ये भी एक मुद्दा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम क्या आता है। कशिश के लिए नवादा से संतोष राज पांडे।